यदि आपकी मकर राशि है और आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए लकी नंबर क्या रहेगा? मकर राशि का स्वामी शनि होता है। यदि आप जो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो शनि का नंबर आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ रहने वाला है। शनि का नंबर 8 होता है, तो उस प्रॉपर्टी का जो सबसे पहली प्रायोरिटी या दी बेस्ट नंबर आपके लिए रहेगा 8 रहने वाला है। शनि ग्रह के जो मित्र ग्रह होते हैं वो होते हैं मरकरी, मरकरी का नंबर 5 होता है, विनस, विनस का नंबर 6 होता है। तो मकर राशि वालों के लिए 3 नंबर दी बेस्ट रहने वाले हैं, 8 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। यदि आपको इस नंबर की प्रॉपर्टी मिलती है तो सबसे बढ़िया है, लेकिन शनि के लिए जुपिटर न्यूट्रल प्लैनेट होता है और जुपिटर का जो नंबर होता है वो 3 होता है, तो आप इन सब के बाद 3 नंबर को भी कंसीडर कर सकते हैं। कौन सा नंबर आपके लिए मकर राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा अशुभ रहने वाले हैं? शनि ग्रह के जो शत्रु ग्रह होते हैं वो होते हैं सन, सन का नंबर 1 होता है, मून, मून का नंबर 2 होता है और मार्स, मार्स का नंबर 3 होता है। तो यदि आपकी मकर राशि है तो ये 3 नंबर आप भूल कर भी परचेज ना करें, यानी कि 1, 2 एंड 9। यदि आप इन नंबर्स को परचेज करते हैं तो आपके भाग्य में बड़ी रुकावट आ सकती है। जो प्रॉपर्टी आप परचेज करने जा रहे हैं वो नुकसान कर सकती है या फिर कई प्रकार की प्रॉब्लम्स उसमें आ सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको लकी नंबर, न्यूट्रल और एनी नंबर जो बताए हैं उसके आधार पर आप अपनी प्रॉपर्टी को परचेज करें। रेमेडी क्या है? यदि कोई भी नंबर आपके पास है, मैंने आपको बताया कौन सी प्रॉपर्टी परचेज करनी है, लेकिन मजबूरीवश बजट आपका नहीं है या किसी भी कारण से आपके पास कोई प्रॉपर्टी 1, 2 एंड 9 नंबर की प्रॉपर्टी है, तो उसकी नेगेटिविटी कैसे कम करनी है और यदि ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसको और कैसे पॉजिटिव करना है। आप अपने उस प्रॉपर्टी के अंदर ग्रे कलर, ब्राउन कलर अधिक से अधिक प्रयोग करें और उस प्रॉपर्टी के अंदर मैक्सिमम ग्रीनरी प्लांटेशन करें। उस प्रॉपर्टी के अंदर कोशिश करें जो भी आप गेट लगवाएं, स्पेशली जो मेन डोर होता है वो स्टील का हो, और आप ये भी ध्यान रखें कि काले घोड़े की नाल यदि अपने मेन गेट पर लगवाते हैं तो उससे भी आपको लाभ होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको ये विश्लेषण जो किया है मकर राशि की वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किया है और हमने सभी 12 राशियों के लिए कौन सा प्रॉपर्टी नंबर उनके लिए शुभ रहेगा इस पर वीडियोस बनाई हुई है। यदि आप किसी अन्य राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अन्य मित्रों को भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो हमारा कुंभ राशि वालों के लिए होने वाला है, आप बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं जिससे हमारा आपको नया वीडियो तुरंत मिले। यदि आपको अपनी राशि नहीं मालूम या कोई कंफ्यूजन है या फिर लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, स्पिरिचुअल हीलिंग और वास्तु से चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी एक्यूरेट बर्थ डिटेल्स शेयर करें, आपकी क्वेरी शेयर करें। हमारी टीम आपकी बर्थ डिटेल्स को, होरोस्कोप को एनालाइज करके आपको रिप्लाई करेगी। दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। कुंभ राशि वालों के लिए कौन सी प्रॉपर्टी नंबर शुभ रहने वाला है
ये वीडियो लेकर हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।